ऑफिस पे कल जो रेड हुआ था, आज FIA की टीम ने हमारे जो एम्प्लाइज है इन एम्प्लाइज को पेश किया था, और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे रऊफ हसन साहब को भी पेश किया था, उन्होंने 10 दिन के लिए रिमांड मांगा है। हमने उनका डिस्चार्ज अर्ज किया है क्योंकि किसी को अरेस्ट करके उसे रिकवरी बरामद करने के लिए अगर कुछ है तो वो हमने कोर्ट को कहा है कि जो कुछ उस ऑफिस में मौजूद था वो तो वाटर डिस्पेंसर समेत सारा कुछ ले गए, कोई फाइल नहीं बची, कोई फोल्डर नहीं बचा, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई पेन पेंसिल नहीं, सब कुछ वो ले गए। दूसरी बात है कि रऊफ हसन साहब 75 ईयर्स ओल्ड है और कैंसर पेशेंट है, उसके साथ हमारी जो एम्प्लाईज़ को उठाया हुआ है वो तो कोई गेट पे भी खड़ा है, उनको भी उठाया है। हमारे दो ऐसे साथी आए हुए थे जो कल जिसको लेके गए हैं, वो रिज़र्व सीटों के लिए जो माइनॉरिटी है उनके अक्सर लोग आ जाते हैं, अपने CVs हमें देते हैं, उन लोगों को भी उठाया है। एक चीज़ हर सूरत हम वाजे करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के हर फॉर्म में शदीद मजम्मत करती रही है और करती रहेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैमिलीज़ की पार्टी है, बच्चों की पार्टी है, बड़ों की पार्टी है, औरतों की पार्टी है, हर वाकअप लाइव की पार्टी है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो मुहब्बे वतन है। हमें किसी से मुहब्बे वतनी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन हम ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहब्बे वतन थी, है और रहेगी, और ख़ान साहब की पार्टी पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। ख़ान साहब का नज़रिया सारी पाबंदियों से अल्हम्दुलिल्लाह बालातर होके निकलेगा। ख़ान साहब का विजन, उसका बयानिया किसी पार्टी की मोहताज नहीं है, उस बयानियों को के लिए पार्टियाँ बड़ी, ये नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, है और इंशाल्लाह ताला रहेगी। जो लोग कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने FIA की इंक्वायरियाँ शुरू कराई थी 5 अगस्त 2022 को, 5 सर्कल में इंक्वायरियाँ शुरू कराई थी और फॉरेन फंडिंग केस की कही थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये हमें बताए कि इनकी फॉरेन फंडिंग का क्या बना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म के खिलाफ ही कड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बालादस्ती के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए कड़ी है। इंशाल्लाह ताला सारे लोग फेल हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सेबोटाज करने के लिए, उसमें हथकंडे क्रिएट करने के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन रोकने के लिए किया जा रहा है। मैं एक मरतबा फिर काजी फैसल साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एज ए चीफ जस्टिस आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, आप माइनॉरिटी से ही, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना एज ए चीफ जस्टिस आपकी आइनी जिम्मेदारी है। ये 25 करोड़ आवाम आपसे मुतालबा करती है, उम्मीद करती है कि आपका वालिद कायद आजम के साथ था, आप लाज रखते हुए इंशाल्लाह ताला अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे। हम हर सूरत, देखो हर सूरत मजम्मत करते, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने कल भी एक बात की, शदीद मजम्मत की है, जो ये कहा गया कि इंडिया आर्मी चीफ ने यह कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी को आप कमज़ोर करें, हम हर उस स्टेटमेंट की मजम्मत करते हैं। ये स्ट्रांग थी और स्ट्रांग ही, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के तहफ्फुज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर, लोग और पार्टी और लीडरशिप हर वक्त मौजूद रहेगी इंशाल्लाह ताला। महसूस नशस्तों के, देखो जहाँ तक महसूस नशस्तों का ताल्लुक है तो हमने जमा कर लिया नेशनल असेंबली के, पार्टी ने दरख्वास्त दे दी सुप्रीम कोर्ट में। जी बैरिस्टर गोहर साहब पहुंचे, इससे पहले लतीफ कोसा साहब, ये मनाजर है इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, रऊफ हसन साहब को पेश किया गया, इसके अलावा उन हवातीन को जिन्हें कल यहाँ सेंट्रल ऑफिस से गिरफ्तार किया गया था, ये मनाजर हैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। आप देख सकते हैं बैरिस्टर गोहर साहब अब यहाँ से वापस आ रहे हैं, ये मनाजर हैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। जी ये वो तमाम लोग हैं जिन्हें कल सेंट्रल ऑफिस से गिरफ्तार किया गया था, ये मनाजर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। ये वो तमाम लोग हैं जिन्हें कल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से गिरफ्तार किया गया था, और अभी इन्हें यहाँ से लेकर जा रहे हैं आमिर मुगल साहब, जो तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के, ये मनाजर हैं इस टाइम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, अमर मुगल साहब को लेके जा रहे हैं। शुएब शहीन साहब इनसे पूछते हैं, शुएब शहीन साहब क्या कहेंगे आप, शुएब शहीन साहब क्या कहेंगे, एक तरफ रऊफ हसन है, दूसरी तरफ ये वो तमाम लोग जो वहाँ सेंट्रल ऑफिस में मौजूद होते थे, उन्हें यहाँ से गिरफ्तार किया गया था और अभी लेके जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कल जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने हरकत की है, ये दहशतगर्दी और डकैती थी। देखें आपके सामने
और अगवा था, 13 खवातीन को गिरफ्तार किया, लेकिन रात लेट नाइट तक 3 बजे तक 11 खवातीन को रिहा किया और 2 को उन्होंने मुकदमे में डाल दिया। मुझे बता दें बाकी उन खवातीन का क्या कसूर था। और दूसरा, आप जिस तरह डाकू की तरह यहाँ कल आए हैं, कोई वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं, कोई रीज़न नहीं, कोई वजह बयान नहीं की किसी हवाले से भी, ये कानूनी नहीं था किसी लिहाज से, यह आईनी नहीं था, कोई किसी के पास वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं था, ये सब बदमाशी के जोर पे चल रहा है। चूँकि आपको पता है कि वो एफिडेविट्स वहाँ मौजूद थे और वो जमा कराने थे, और दैट इज़ दी मेन काज जिसकी वजह से उनको उठाया है। और आज जिस अंदाज से ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं, ये किसी लिहाज से सूटेबल नहीं है। और रऊफ हसन साहब को तो बज़ाहिर ये लगता है कि इसलिए उठाया गया, कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हमेशा ये उनका रिबटल देते हैं, उन्होंने कहा इससे पहले ही उनको उठा लिया जाए।